जन्मदिन का जश्न चल रहा है। केक काटा जा रहा है। एक छुरी को पांच पांच छह छह लोग पकड़े हुए हैं। देखकर लग रहा है कि किसी वीवीआईपी का जन्मदिन है। तभी एक शख्स कमर में लगी पिस्टल निकालता है और एक के बाद एक हवा में दो फायर करता है। अब देखिए कैसे साथ वाले इस जन्मदिन के जश्न में शरीक होकर फूले नहीं समा रहे हैं। इतना ही नहीं, पिस्टल वाला शख्स तो इतना खुश है कि हवा में फायर करके सलामी दे रहा है। जन्मदिन के जश्न की ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए। अब आपको बता दें कि ये जन्मदिन का जश्न किसका है और ये लोग कौन हैं। दरअसल ये तस्वीरें उन्नाव की हैं। यहाँ भाजपा के पूर्वा विधानसभा प्रभारी आनंद अवस्थी के जन्मदिन की पार्टी का जश्न मनाया जा रहा है। आनंद अवस्थी को जिले के नेता घेरे हुए खड़े हैं, एक दूसरे को केक काट कर खिला रहे हैं। जन्मदिन का मौका हो और वो भी नेताजी का, तो अपने नेता के सामने छोट भाई नेता भी चमकने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। तभी तो देखिए कैसे पिस्टल निकाल कर हवा में ताबड़तोड़ फायर किया जा रहा है। जरा गौर से देखेंगे तो इस वीडियो में आपको पीछे कुछ लोग बैठे हुए दिख जाएंगे, जिससे लगता है कि ये जश्न किसी रेस्टोरेंट में मनाया जा रहा है। और ऐसे में लोगों की सुरक्षा को दरकिनार कर ये शख्स हवाई फायर कर रहा है। रेस्टोरेंट में जन्मदिन की पार्टी का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद पता चला कि फायरिंग करने वाले शख्स का नाम पवन तिवारी है, जिसका कुछ महीने पहले ही डीएम ने रिवॉल्वर का लाइसेंस बनाया था। लेकिन अब हर्ष फायरिंग कर इस शख्स की मुश्किलें बढ़ना तय है। हालांकि मामला सत्ताधारी पार्टी के नेता से जुड़ा है, ऐसे में पुलिस भी गोलमोल जवाब दे रही है। ये बात मेरे संज्ञान में आई थी, मैंने इंस्पेक्टर असलगंज से बात किया है और उनको बताया है कि ये इसकी जांच करने की वीडियो कहां का है। यद्यपि प्रथम दृष्टया ये मालूम हुआ है कि ये वीडियो पुराना है और असलगंज थाना क्षेत्र का नहीं है, फिर भी मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है इसकी गंभीरता से जाँच कराएँ और इसमें जो दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। पुलिस का दावा है कि वीडियो पुराना है, लेकिन फिर भी जांच कराई जा रही है। अब पुलिस की जांच में क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं और हर्ष फायरिंग के इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। आशीष गौर, उन्नाव, एबीपी गंगा।